पाकुड़ जिले की 3 सीटों पर भी कल वोटिंग होनी है। इसके लिए कड़ी सुरक्षा में पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। यहां का जायजा लिया सहयोगी शाहनवाज ने। पांचवें और अंतिम चरण का मतदान 20 दिसंबर को होना है, लिहाजा मतदान कर्मियों को उनके गंतव्य तक रवाना किया जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के बाजार समिति में और यहां तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि जो मतदान कर्मी हैं उनको गंतव्य तक भेजा जा रहा है। सभी ईवीएम हो, वीवीपैट मशीन हो, जो लेटर या नियुक्ति पत्र वो तमाम उनको हैंडओवर करने के बाद उनको भेजने की कार्रवाई चल रही है। ये तीनों विधानसभा क्षेत्रों के लिए यहीं से डिस्पैच सेंटर बनाया गया है, लिहाजा ये जो हलचल आप देख रहे हैं सभी मतदान कर्मी हैं जिनको गंतव्य तक रवाना किया जा रहा है, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है और शाम तक हर हाल में इनको अपने सेंटर में पहुंच जाना है। लिहाजा इसकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मतदान कर्मी हैं उनको गंतव्य तक भेजा जाए, उनको मतदान केंद्रों तक भेजा जाए। आप लोगों को क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं मतदान केंद्र तक जाने के लिए? वो निशात और लेटर में 129 नंबर बूथ नंबर है। आप लोग को लेटर वगैरह मिल गया है क्या? लेटर मिल गया है, कहाँ के लिए रवाना हो रहे हैं आप लोग? आप हमारा क्या कहते हैं इसको? अच्छा, तो वहाँ के लिए जो ट्रेनिंग वगैरह पूरा मिल गया आप लोगों को, सब कुछ हो गया है? अच्छा, क्या बताया गया है कि कैसे वहाँ पर इलेक्शन करवाना है, फ्री एंड फेयर, क्या कुछ सावधानी बरतने के लिए बताया गया है? इसमें सावधानी बताया कि अपना ढंग से दिलाइएगा इलेक्शन, यही सब बताया गया है और सब मशीन के बारे में बताया है कैसे क्या करना है। मशीन का ऑपरेशन समझ गए कैसे ऑपरेट होता है मशीन? हाँ, क्या कुछ खराबी है त्रुटि आ जाए कैसे उसको ठीक करना है या कैसे? अफसर रहता है ना सेक्टर ऑफिस मजिस्ट्रेट, उनसे संपर्क कीजिए, जो सामान कहीं घट गया उनसे लीजिए, ऐसा ही बताया गया सर। ये स्थिति है कि तमाम जो ट्रेनिंग के दौरान ही जो हिदायत है वो दे दी गई है ताकि ये कोशिश हो कि अगर कोई त्रुटि है, कोई परेशानी आती है तो उनको दुरुस्त किया जा सके, उनको ठीक किया जा सके। तमाम तरह की ट्रेनिंग दी गई है उनको और ये बताने की कोशिश की गई है कि जो भी दिक्कतें आए उनको किस तरह से हल करना है, किस तरह से दूर करना है। अब ये लोग शाम तक ये अपने अपने गंतव्य तक और मतदान केंद्रों तक पहुँच जाएंगे और वहाँ कल यानी 20 दिसंबर को ये वोट कराने के लिए अपने जो ट्रेनिंग को फ्रूटफुल तरीके से यूज़ कर पाएंगे। लिहाजा जिला प्रशासन की भी ये कोशिश है कि जो भी मतदान हो बिल्कुल फ्री एंड फेयर हो और बिल्कुल सुरक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो ताकि जो मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, वो बिल्कुल बिना डर भय के अपने मतदान को, अपने वोट को कास्ट कर सकें। कैमरामैन अरविंद के साथ शाहनवाज, न्यूज़ 11 भारत, पाकुड़।